कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर शत्रु संपत्ति के मामले में जिला अधिकारी को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा, साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की। इस मौके पर दर्जनों बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने बताया कि जो शत्रु संपत्ति वाला जो ये मामला चल रहा है, शत्रु संपत्ति में जो इन्होंने आजम ने जो इमामुद्दीन बफ के बारे में कहते हैं, जिसमें गुड्डू मसूद को मुतवल्ली बनाया गया है, रामपुर का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ये कहता है कि ये बफ रामपुर में दर्ज ही नहीं। अगर रामपुर में दर्ज नहीं है तो वो कैसे मुतवल्ली बने हुए हैं, और अगर वो मुतवल्ली फर्जी तरीके से बने हुए हैं तो इसमें आजम खान और गुड्डू मसूद दोनों दोषी। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया है और उसमें गृह विभाग की तरफ से भी जांच के आदेश आए हैं कि इस सारी संपत्ति को दोबारा से पूरा नपाया जाए, और नपवाने के बाद अगर जरा सा भी इस पे कब्जा पाया जाता है तो इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है और मुझे लगता है इसमें जल्द बड़ी कार्रवाई होगी।